हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं असलता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे। आप लोग जो घर का जो वेजिटेबल्स का जो छिलका है, फ्रूट्स का छिलका है, फेंक देते हैं, और ये बहुत अच्छा आपका गार्डन के लिए काम करेगा। और ये जो हम आज जो प्रोसेस में आप लोगों को दिखाएंगे, ये प्रोसेस में आप लोग कीजिएगा तो एकदम इसमें स्मेल नहीं आएगा और आपका प्लांट में बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। हर प्लांट का लीफ का जो कलर आएगा बहुत ब्यूटीफुल कलर आएगा, देखने में भी तो बहुत हेल्दी लगेगा। और जानते हैं फ्रेंड्स, जो वेजिटेबल्स का छिलका में, जो फ्रूट्स का छिलका में, जो मिल्क जो लिक्विड आज हम दिखाएंगे, लिक्विड जो फर्टिलाइजर होगा, और फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत मात्रा में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर ले लिया। देखिए ये जो कोई भी जो सब्जी का छिलका होगा, जो होगा, हम देखिए ये प्लास्टिक में भर के रख दिया और अभी हम यहीं पर डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर ऐसे करके जमा करके रख देते हैं। और यहीं पर एक हम बाल्टी लिया, ये बाल्टी में देखिए फ्रेंड्स पूरा सब भर के रख दिया। तो फ्रेंड्स, एक लीटर, एक केजी जो सब्जी का छिलका होगा, तो एक केजी छिलका में आप लोग 5 लीटर पानी जरूर मिलाइएगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर ये डाल देंगे। यहीं पर मेरा तो होगा लगभग 10 केजी सब्जी का खोसा हम जमा के रख दिया। और अभी हम इसमें पानी लगभग, ये मेरा 20 लीटर का जो जार है वहीं पर हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये यहीं पर मेरा 10 केजी का जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स जो है घर में जो होता है सब कुछ मिला के हम यहीं पर रख दिया। और यहीं पर हम तो 10 केजी सब्जी में पानी डाल के यहीं पर ये पूरा हम भर देंगे। तो एक केजी सब्जी में 5 लीटर पानी, ऐसा रेशियो में आप लोग ये पानी डाल सकते हैं। तो जब ये रेडी हो जाएगा और फिर उसके बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे वो जो लिक्विड मिला उसके साथ कितना पानी मिलाना चाहिए। तो ये मिला के हम रख देंगे, कोई छावा जाएगा में रख दीजिएगा तो अच्छा है। और ये पूरा बंद करके रख दीजिए। देखिए और ये 3-4 दिन बाद ये यूज कर सकते हैं आप। तो 3-4 दिन बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 3-4 दिन हम वेजिटेबल्स का जो छिलका है, देखिए ये भिगो के हम रख दिया और ये एकदम लिक्विड, देखिए इसमें एकदम स्मेल नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छा पेड़ पौधा के लिए फ्रेंड्स। तो 3-4 दिन ऐसे भी आप लोग रख सकते हैं इसे ढक के। और देखिए एकदम बहुत अच्छा ये लिक्विड फर्टिलाइजर बन गया। और ये हर पेड़ पौधा में डालिए। और ये जो बन गया, इसमें आप 20-25-30 लीटर पानी मिलाइए, एकदम पतला करके लिक्विड करके दे दीजिए। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर। तो अभी हम छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो छान लिया और इसके नीचे जो लिक्विड है ये हम पानी में मिलाएंगे। आपके पास एकदम मोटा जो आलू का बोरा होता है ना, एकदम
वह नेट होता है उससे आप लोग ऐसे ये लिक्विड छान ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा ले लिया और अभी हम ये पानी में मिलाएंगे। देखिए यहीं पर मेरा 15 लीटर पानी है, देखिए। तो इसमें देखिए एकदम पतला करके 1 लीटर लगभग होगा हम मिला रहे। जितना पतला कीजिएगा उतना ही अच्छा है। बस ये हो गया, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं हर पेड़ पौधा के डाल के, हर पेड़ पौधा में डाल के दिखाते हैं। तो जिस पौधा में जितना लगेगा उतना आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस ये लिक्विड आप स्प्रे मत कीजिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ हर पौधा में नीचे में डालिए, रूट में इसका जरूरत होता है। और जब ये लिक्विड दीजिएगा तब थोड़ा जो गमला का मिट्टी थोड़ा भिगो लीजिएगा, भिगो के रख दीजिए तो अच्छा है। तो ये मेरा बड़ा पौधा है, थोड़ा ज़्यादा हम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा करके ज़रूर आप लोग यूज़ कीजिएगा तो आपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्दी रहेगा। और देखिएगा ये जो छिलका है मत फेंकिएगा फ्रेंड्स, ऐसा करके जरूर यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स किसी को गुड क्वालिटी का सीड्स प्लांट चाहिए तो मेरे पास है, आप लोग मांग सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ईमेल एड्रेस दे दिया, आप लोग ईमेल कर सकते हैं। तो आप लोग को ठीक टाइमली सब सीड्स प्लांट अच्छा क्वालिटी का गुड क्वालिटी का मिल जाएगा।